आरक्षण कोई आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है क्या? आर्थिक सुधार चाहिए तो जाइए मनरेगा की लाइन में लग जाइए। इन मूर्खों को कौन समझाए, तो कॉलेजियम से बने हुए जज हैं। हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो जजों का पूरा पैनल है, 5 जजों का, जिसमें 4 बनिया हैं, 4 ब्राह्मण है, 1 बनिया है, हम उस पैनल को मानते ही नहीं, क्योंकि जो नियम कहता है उस नियम के अनुसार सबसे पहले कि जज के किसी परिजन को, किसी रिश्तेदार को किसी जजमेंट का फैसला नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस जजमेंट का फैसला 5 जज लिख के दें कि सवर्ण आरक्षण का फैसला उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवार वालों को, उनके जानने वालों को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ये जजमेंट ही बेमानी है, पूरा जजमेंट पे क्वेश्चन मार्क है बड़ा जैसा। अब सोचिए सवर्ण जज, 5 सवर्ण जज मिलके सवर्ण आरक्षण पे डिसीजन दे रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और उस जजमेंट को हम कैसे एक्सेप्ट करें? हम उस जजमेंट को नहीं मानते, ये बेईमानी वाला जजमेंट है। हमारा मानना है कि जो कोर्ट है उसने अपना जातिवादी अप्रोच जाहिर किया, जातिवादी रुख दिखाया है। कोर्ट मतलब, कोर्ट कोई बिल्डिंग थोड़ी रही है, कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं जनेऊधारी जज हैं, तो ये न्यायपालिका का फैसला नहीं है, यह जनेऊ फैसला, जनेऊ पालिका का फैसला है। EWS आरक्षण पूरी तरह से फ्रॉड है, फेक है और संवैधानिक है, बिल्कुल। ये पहला जो है, ये आप बताइए, दवा जो है बीमार आदमी के लिए होता है, स्वस्थ आदमी के लिए? इस समाज में बीमार कौन है? इस देश का SC ST OBC समाज बीमार है, उसके स्वास्थ्य के लिए आरक्षण है ना? आरक्षण कोई आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है क्या? आर्थिक सुधार चाहिए तो जाइए मनरेगा की लाइन में लग जाइए। उस तरह के और ढेर सारे आर्थिक सुधार के कार्यक्रम है, उन आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों का लाभ लीजिए। यह आरक्षण को कब आपने आर्थिक सुधार का कार्यक्रम बना लिया? यह आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है ही नहीं। समाज का वो तबका जो अलग अलग तरीके से सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा रह गया समाज की मुख्य धारा में, जातिवादी रवैया के चलते, मनुवादी व्यवस्था के चलते, समाज के मनुवादी सोच के कारण जो मुख्य धारा से पीछे रह गया, वो समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई। लेकिन पिछले 8 साल में इस देश में मनुवादी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, SC ST OBC के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, इस वजह से यह फैसला आया है जो पूरी तरह से फेक है। EWS आरक्षण हम इसको नहीं मानते। लेकिन जो आर्थिक आधार बताया गया है, जिसके सैया कोतवाल तो डर, जब सैया कोतवाल तो डर का है का? अब इस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, सरकार में उनके लोग हैं, हर जगह मनुवादियों का ताता है, कुछ भी वो फिक्स कर दें, कोई भी क्राइटेरिया फिक्स कर लें। और ये जो रखा गया है, कौन नहीं जानता है ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं? सारे जने उधारी लोग BDO SDO DM बन के बैठे हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं हो सकता है, सारे जज जो है उन जातियों के बैठे हुए हैं। लेकिन तो इस जो बेईमानी है, ये जो फिक्स किया गया, फेक सर्टिफिकेट बनेंगे सवर्णों के, जो करोड़पति भी ब्राह्मण होगा वो भी फेक सर्टिफिकेट, पैसा के बल पे तो कुछ भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से हम सब वाकिफ हैं, तो सभी सवर्ण इसके दायरे में आ जाएंगे। आप सोच कर देखिए ना, जिनकी आबादी ठीक से 10% भी नहीं है, उन्होंने अपने लिए 10% फिक्स। आर्थिक रूप से कमजोर है तो जाके मनरेगा की लाइन में लगे ना। सरकार के ढेर सारे कार्यक्रम है आर्थिक लाभ के, राशन कोटा लें जाकर, चावल चीनी लें, नमक लें, आरक्षण उसके लिए है ही नहीं। मतलब पेट दर्द में आप माथा दर्द का बीमारी दवा चला दीजिएगा, किसी को बुखार है कैंसर की दवा दे दीजिएगा, ये तो लगभग उसी तरह से है। अगर सही मायने में आप मानते ही हैं कि न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए सभी लोगों के लिए, तो जिनकी जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना शेयर दे दीजिए। अगर इस देश में SC ST OBC समाज की आबादी 85 से 90% है, आप जो जाति जनगणना करके जो मोदी जी दबा के उस पर बैठे हुए हैं, उस जाति जनगणना का प्रकाशन कीजिए, देश भी जान जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से जो है उनको दे दीजिए आरक्षण। अगर इस देश में ब्राह्मणों की आबादी जो 3% थी, 30% हो गई है, तो ले जाए। और आरक्षण यहाँ कहाँ, हम तो सब जगह आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपने माथे पर, देश का दलित समाज पैखाना उठाता है,
उसमें ले जाए आरक्षण, हम लोग तो दरिया दिल है, उसमें 10% के बदले 20% दे देंगे आरक्षण। हम लोग सीवर की सफाई करते हैं, गटर साफ करते हैं, उसमें ले जाए आरक्षण। हम लोग मूछ रखते हैं तो पिटाई की जाती है हमारी, उस पिटाई में भी आरक्षण ले जाए। हम घोड़ी पर हमें नहीं चढ़ने दिया जाता है तो 10 में से 2 ब्राह्मण घोड़ी पर चढ़ के ना जाए, और चढ़े तो 2% ब्राह्मणों की पिटाई हो, उसमें भी ले जाए आरक्षण। 10% के बदले 50% ले जाए। भैया सब जगह बराबरी पे बात करो। और जो मंदिरों में, जो पद्मावत मंदिर से लेकर तमाम जो मंदिरों में, हिंदू धर्म के मंदिरों में जो आता है धन की जो वर्षा होती है, उसमें भी हमारा कोटा दो। तो सब जगह आरक्षण मतलब बराबरी का हिस्सा, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से परसेंटेज दो। अब देखिए इन जो है, इन मूर्खों को कौन समझाए, तो कॉलेजियम से बने हुए जज हैं, इनको पता नहीं है कि जिस 10 साल के आरक्षण की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक आरक्षण की बात थी। अब जज बन गए हैं और ऐसे लोग फैसला दे रहे हैं, और ऐसे जजों को हम लोग इतना बड़ा मुंह खोल के देख रहे हैं कि हम लोगों के हक में फैसला होगा। भाई वहां SC ST OBC का जज नहीं है, हमें जज चाहिए। हमारी मांग क्या है, हमें वाइस चांसलर चाहिए, हमें जज चाहिए, हमें CEO चाहिए, हमें TV में एंकर चाहिए, हमें संपादक चाहिए, हमारे प्रोफेसर होने चाहिए, लेक्चरर होने चाहिए, सेक्रेटरी होने चाहिए, संयुक्त सचिव होने चाहिए जो देश चलाते हैं, हमारी वो मांग है। देखिए क्या है, अब कोर्ट का क्या है, इस देश की जो ब्राह्मण पालिका है, जनेऊ पालिका है, जिसको लोग न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, वो कानून को ताखे पर रखकर मनुस्मृति के हिसाब से देश चला रहा है। जब OBC का कोटा बढ़ाने की बात होती थी तब जो है इंदिरा सानी जजमेंट का हवाला देकर कहा सीलिंग कर दी गई 50% पे, और जब सवर्णों को आरक्षण देना हुआ तो ये जो है तोड़ दिया गया। इन्हीं सब चीजों के खिलाफ, ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, हम लोगों ने अपील की है कि पूरे देश के लोग 28 नवंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचें। ये जो तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे आरक्षण पर हमला हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, EWS कोटा लाया जा रहा है, जाति जनगणना का प्रकाशन नहीं हो रहा है, EVM की बेईमानी चल रही है, इन सब के खिलाफ हमने अपील की है कि देश भर के SC ST समाज आ जाओ, ये आखिरी लड़ाई है, याचना नहीं, रण का समय है, संघर्ष का समय है। इस रैली में हम लोग रामलीला मैदान में हम लोगों ने देश के तमाम जितने भी SC ST OBC के संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, उन सबसे अपील है आइए इस रैली का हिस्सा बनिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो भी साथी इस रैली से जुड़ना चाहते हैं, मैं नंबर बोल दे रहा हूं 8789325595। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए, यह आरक्षण बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब के मिशन को बचाने की लड़ाई है। अगर साथ मिलकर नहीं लड़े तो जो EWS का कोटा इन्होंने 10% किया है उसको 100% भी ये कर सकते हैं। हमारी चुप्पी बहुत खतरनाक होने वाली है, इसलिए इस चुप्पी को तोड़ने के लिए हमने 28 नवंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आह्वान किया है। नहीं नहीं, EWS तो है ही, जाति के आधार पर लाया ही, ये तो अब तक जो छुपा हुआ था वो तो अब खुलकर सामने आ गया। तो जाति के आधार पर और क्राइटेरिया वो कुछ तय करें, जब तक समाज नहीं जागेगा जिसका ही हकमारी हो रहा है, खास तौर पे OBC समाज जिसकी हकमारी हो रही है, अगर नहीं जगेगा, OBC समाज की आबादी बढ़ी है, इसलिए तो जाति जनगणना प्रकाशन करने की मांग कर रहे हैं, OBC की आबादी बढ़ी है, तो जाति जनगणना का प्रकाशन करो और आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दो। इस मांग के लिए भी हम लोगों को रामलीला मैदान बुला रहे हैं 28। क्या है, ये है ही अपने आप में ही ब्राह्मण पालिका है, और हमको तो, हम लोगों को तो यकीन ही नहीं, कुछ भी हम मानते ही नहीं है, ये बेईमान जगह है। यहाँ जो लोग जनेऊ पहने उनका सुना जाएगा, EWS पे जातिगत आरक्षण आप दे रहे हैं, कोई SC ST OBC का जज नहीं है, उस जजमेंट को हम कैसे मान लें? और जजमेंट की आलोचना करना कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। सर, हम जजमेंट की आलोचना कर रहे हैं, जजमेंट खराब है। देखिए क्या है, जाति ये खुद से तय कर रहे हैं, ये अपनी सुविधा के हिसाब से जहां इनका वोट मिला हो वैसे ही करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर में जितने भी पहाड़ी हैं सभी जो है ST हो गए, ST का दर्जा दे दिया। ऐसा थोड़ा ही होता है, उनके साथ छुआछूत थोड़ा ही होता है, दलितों के साथ छुआछूत होता है,
अमित शाह जी अभी अनाउंस करके आए हैं, ये पूरी तरह से बेईमान लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वोट के भूखे लोग हैं, वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, जाति को अपने हिसाब से करते हैं। मोदी जी ने क्या किया, घांची जाति ओबीसी में आता था, जब मुख्यमंत्री बने उसको वो पहले जनरल में आता था घांची जाति, और जब सीएम बने ओबीसी में कर लिया, और प्रधानमंत्री जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस सरकार का प्रधानमंत्री खुद ही बोलता हो कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, उस देश के उनके मानने वालों और उस सरकार के तंत्र से क्या उम्मीद करते हैं। वैसे भी जो पूरा ईडब्ल्यूएस का नाटक है, यह जो कोर्ट होता है, न्यायपालिका होता है, कोई जांच एजेंसी होती है, यह राज सत्ता के इशारों पर काम करती है, हमेशा से होता है। तो राज सत्ता मनुस्मृति को मानने वाली है, मनुवादी व्यवस्था को मानने वाली है, इसलिए जो है आप और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये संविधान को तहस नहस करेंगे, और संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई का आह्वान हमने कर दिया है 28 नवंबर 2022 दिन सोमवार। देखिए, जो 28 नवंबर की रैली, हमारा मुख्य मुद्दा ही है कि नई संसद भवन बन के तैयार है। ये लोग, मनुवादी लोग, उस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर की जगह गोलवलकर के नाम पे कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। गोलवलकर वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि देश में एससी एसटी ओबीसी का राज हो, उससे अच्छा जो है हम अंग्रेजों का गुलाम रहना बेहतर समझेंगे। उस गोलवलकर के नाम पर ये लोग कर सकते हैं। इनके लोगों ने कुछ किया तो है नहीं, माफी मांगी है, एससी एसटी ओबीसी को गाली दिया है, भेदभाव किया है, छुआछूत किया है, इनके पास और कोई विकल्प तो है नहीं, इसलिए ये लोग नाम बदलने में माहिर हैं, नाम रखने में माहिर हैं। इससे पहले की संसद का नाम ये लोग गोलवलकर सावरकर के नाम पे करें, हम लोगों ऐसी चर्चा है। हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संसद भवन का नाम होना चाहिए, और आप तमाम चैनल, सारे बहुजन चैनल के माध्यम से, नेशनल लीडर, जनहित आवाज, जन निर्माण भारत, बोल 85, जो तमाम हमारे जो समाज के, बहुजन समाज के जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, आओ इस संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे कराते हैं, और 28 नवंबर 2022 को दिल्ली भरने का काम लो। पूरे देश से, पूरे देश का बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे है, और हम लोग रामलीला मैदान से जब यह आखिरी लड़ाई का आह्वान कर रहे हैं, तो हम लोग भी देखना चाहते हैं कि कौन वो शक्ति है जो चाहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे संसद का नाम नहीं हो। हम लोगों ने अपील कर दी है, सभी लोग आए, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर लेकर आए, इस आवाज में सुर से सुर मिलाएं, क्योंकि साथ लड़ेंगे तभी जीतेंगे। बहुजन समाज को एक होकर एक मंच पर आना होगा, और 28 नवंबर को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को खुले तौर पर आमंत्रित करता हूं। देखिए क्या है कि सरकार ने, इस सरकार के पास लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं। आप बताइए, पहले जाति जनगणना का प्रकाशन करो, कोटा तय करो, अब आप ये दलितों में उसको घुसा रहे हैं, पसमांदा मुसलमान को उसी कोटे में। पहले कोटा तय करो, अगर इतने ही दलित हितैषी हो, पसमांदा मुसलमानों के हितैषी हो, तो पहले कोटा तय करो। और यह तो बड़ा हास्यास्पद है कि मोदी जी मुसलमानों का भला सोच रहे हैं। इस सदी का सबसे बड़ा चुटकुला यही होना चाहिए कि मोदी जी मुसलमानों का भला सोच रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि मोदी जी भाजपा मुसलमानों का भला सोच रही है, यह इस सदी का सबसे बड़ा चुटकुला है। होगा ही नहीं, वो तो राजनीति है, सब समझते हैं, बीजेपी राजनीति करती है, बीजेपी का एजेंडा साफ है, मुसलमानों को मारो और दलितों को डराओ। बीजेपी की राजनीति ऐसे ही चल रही है, वो चुनाव ऐसे ही जीत रहे हैं, ऐसे ही चल रही है। अब मुसलमान मोदी जी के बात से खुश हो, ये सदी का दूसरा सबसे बड़ा चुटकुला हो सकता है। ये तो है ही, जाति बदल कर क्या होगा, शोषण का आधार ही देश में जाति है, शादी जाति देखकर करते हैं, ब्याह में घोड़ी पे आप चढ़ सकते हैं जाति देखकर, घर मकान खरीदते हैं जाति देखकर, तो सब कुछ का आधार वोट, टिकट बांटते हैं चुनाव में जाति देखकर। इस देश में जाति के आधार पर ही सब कुछ होता है, तो ये राजनीति अलग कैसे हो सकती है।